हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजी 5। हर इंग्लिश सीखने वाला और बोलने वाला ये चाहता है कि उसका जो लहजा है इंग्लिश बोलने का वो प्यारा हो। जब वो इंग्लिश बोले तो नेक्स्ट पर्सन को उनका बोलने का अंदाज इंप्रेसिव लगे और उनका एक्सेंट फेक ना लगे, उनका इंग्लिश बोलने का लहजा ऐसा ना लगे कि नेक्स्ट पर्सन उस पर हमसे उसका मजाक बनाए। सो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि आप ही अपनी इंग्लिश की प्रोनंसिएशन बेहतर करना चाहते हैं। इंग्लिश की प्रोनंसिएशन बेहतर करना, इसको अंग्रेजों जैसा करना कोई जादू नहीं है। इसका जो सबसे पहला बेसिक और मैं कहता हूं कि जो इसका 30% से 40% है वो मैं आज आपको इस लेसन में पढ़ा दूंगा। आपने सिर्फ ये अल्फाबेट्स जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं इनको चेंज करना है, यानी सी टी एल पी सी एच के क्यू एंड आर, इनको चेंज करके आप अपनी जो इंग्लिश है उसको मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। इस लेसन के एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपके इंग्लिश बोलने का लहजा पहले से मुख्तलिफ हो चुका है। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टिप आपको जरूर दे दूं कि आपने इंग्लिश का ये लहजा बदलते हुए झिझकना नहीं है, शर्म नहीं महसूस करनी। शुरू में हो सकता है आपको ये खुद भी ये जो चेंज है ये अजीब लगे, आपको लगेगा यार मैं कैसा बोल रहा हूँ, लोग कैसा फील कर रहे हैं इस बोलने की वजह से। लेकिन आपने इसको जरा भी अपने जहन पे सवार नहीं करना, क्योंकि कुछ दिन जब आप इसको चेंज करेंगे तो खुद ब खुद ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और बिल्कुल नेचुरल लगेगा। सो इस लेसन के एंड तक जरूर देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेसन के एंड तक आपका इंग्लिश बोलने का लहजा मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। सो विदाउट टेकिंग फॉर द टाइम लेट्स टाइम इनटू इट। सबसे पहला अल्फाबेट, सबसे पहला लेटर जो हमने चेंज करना होता है वो है सी। अब सी हमने किस कंडीशन में चेंज करना होता है, जब सी साउंड दे रहा होता है का, तो इसको हम लोग का ही बोलते हैं, जैसे कैच, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप किसी अंग्रेज को सुने तो इसको कैच बोलता है, कैच। तो सिंपली हमने करना क्या है कि हमने काफ को खा में बदलना है। यहां पे हम कैच बोल रहे हैं वहां पे हम बोलेंगे कैच, जहां पे हम क्लियर बोल रहे थे वहां पे हम बोलेंगे क्लियर, जहां पे हम टिकल बोल रहे थे वहां पे हम बोलेंगे टिकल, खल, ख साउंड। जहां पे हम माइक बोल रहे थे वहीं बोलेंगे माइक, और पिक्चर को हम बोलेंगे पिक्चर। इस तरह करके हम अपना सिर्फ ये एक अल्फाबेट चेंज करके इस लेसन का और इंग्लिश प्रोनंसिएशन का 10% ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं जो मैं इस लेसन में आपको पढ़ाना चाहता हूं। अब नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल सी वाला केस है कि जब आपके पास जो के है वो काफ वाला साउंड दे रहा होता है तो आपने उसको भी खा में बदल देना होता है, खा। जैसे नॉर्मली आप बोले आप इसको कैसे बोलेंगे, किचन। लेकिन जो एक इंग्लिश स्पीकर है वो इसको बोलता है किचन, तो हमने क्या करना है, काफ को खा में बदल देना है, किड्स। जहां पे किडनैप बोल रहे थे वहीं पे हम बोलेंगे किडनैप। जहां पे हम थैंक यू बोलते थे वहीं पे हम बोलेंगे थैंक यू। जहां पे टेक बोल रहे थे अब बोलेंगे टेक। अगेन आपने मेरे साथ एक दफा पढ़ना है, किचन, किड्स, किडनैप, थैंक यू, टेक। तो इस तरह करके हम काफ को यानी के वाला जो साउंड है उसको खा में बदल देंगे। एग्जैक्ट सेम केस हमारा क्यू के साथ भी है। क्यू को अगर आप देखें तो क्यू भी काफ का साउंड देता है, जैसे क्वीन। लेकिन इंग्लिश प्रोनंसिएशन में जो अंग्रेजों वाली है उसके अंदर इसको हम क्यू बोलते हैं, क्यू नहीं बोलते। तो अगेन केस सेम है कि आपने काफ को खा में बदलना है, का को खा में बदलना है। क्वीन, क्वांटम, क्विक, क्वाइट, क्वार्टर। एक दफा आप इसको मेरे साथ बोलेंगे, क्वीन, क्वांटम, क्विक, क्वार्टर। नेक्स्ट अल्फाबेट जिसको हमने चेंज करना है वो है एल। अब आप सोच रहे होंगे एल हम भी वैसे ही बोलते हैं और अंग्रेज भी वैसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एल बोलते हुए अपने जो लिप्स और जो टंग है यानी जुबान और होंठ, इसकी हम पोजीशन में बहुत मिस्टेक करते हैं। इस वजह से जो हम एल बोलते हैं वो बहुत बारीक सा लगता है और अजीब सा लगता है, जैसे लिटल, लॉक, लेमन, प्ले, फॉल। यकीनन आप या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ऐसे ही बोलते होंगे, मगर इसको इंग्लिश में बोलना है लिटल। पिक्चर में आप देखें, जब आपने एल प्रोनाउंस करना है तो आपकी जुबान जो है
वो आपके अपर जॉ पे टच होनी चाहिए, आपके जो ऊपर वाले दांत है उसकी अंदर वाली साइड पे टच होनी चाहिए। एल एल, दो तीन दफा मेरे साथ बोल के दिखाएं, एल। अगर आप इसको बोलेंगे आपको फील होगा आपकी जुबान जो है वो आपके दांतों को टच हो रही है ऊपर वालों को अंदर वाली साइड से। लिटल लिटल, लॉक लॉक लॉक, लेमन लेमन लेमन, प्ले प्ले प्ले, फॉल फॉल फॉल। एक दफा आपने कोशिश करनी है कि आप इन सभी वर्ड्स को प्रनाउंस करें। मैं आपके लिए एक दफा दोबारा बोल देता हूं, लिटल लॉक लेमन प्ले फॉल। सो इस तरह से हमने एल को चेंज करना है। एल में जो चेंज है वो स्लाइट है, कम है दूसरे अल्फाबेट्स की निस्बत, लेकिन इंतहाई जरूरी है। नेक्स्ट हमने देखना है किस तरह हम पी को चेंज करते हैं। जी हाँ, पी को हम बोलते हैं प जैसा प, लेकिन इसको बोलते हैं फी यानी फ साउंड, फ जो फुफो में आता है फ, राइट। तो ये वाला हमने चेंज करना है इस तरह से। पहले हम बोलते हैं पेन, लेकिन चेंज्ड वे में, न्यू वे में हम इसको बोलेंगे पेन पेन पेन। पोटैटो पोटैटो पोटैटो, फ साउंड। पैकेज पैकेज पैकेज। प्ले प्ले प्ले। पेपर पेपर पेपर। यहाँ पे आप गौर करें तो हमने पी को हल्का सा चेंज किया है, जब हम इसको प कह रहे थे वहीं पे हमने इसको फ कहा है, राइट। तो प और फ के दरमियान अंग्रेज बन जाते हैं आप। नेक्स्ट अल्फाबेट है आर। अब आर की प्रोनाउंसिएशन बहुत से लोग गलत करते हैं, उसमें भी गलती हमारी जुबान और दांत के जो आपस में मिलाप होता है उसकी होती है। आर को प्रोनाउंस करते हुए आप ये फील करेंगे, अगर आप अपने तरीके से पहले वाले तरीके से प्रोनाउंस करें तो आप जो अपनी जुबान है उसको दांतों की अंदर वाली साइड पे टच कर रहे होते, जैसे रेनबो रेनबो, ये आपके दांतों से थोड़ा सा पीछे आपके अपर जॉ पे टच हो रही होती है, रेनबो। इस वजह से अक्सर आपने देखा होगा जो आर का साउंड है ये हम ऐसे दो तीन दफा निकाल देते हैं, र, र, इस तरह का रेनबो रफ, राइट। ये अक्सर लोगों की मैंने गलती देखी है। इसके अलावा जब आपने आर को प्रोनाउंस करना है तो आपकी जो जुबान है वो दांतों के साथ टच नहीं होनी चाहिए, आपकी जुबान ऊपर वाले जॉ के साथ टच होनी चाहिए लेकिन मिडल में, दांतों के साथ नहीं होनी चाहिए। आर, यहाँ पिक्चर में आप देखें ये जुबान है, इसको हमने यहीं पे ऐसे ट्विस्ट कर लेना है, मोड़ लेना है, हमने इसको दांतों के साथ होंठों के साथ टच नहीं होने देना। एक दफा कोशिश करें, आर आर आर। और आर का जो साउंड है ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट है। जो ब्रिटिश है वो आर को बहुत कम बोलते हैं, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत लाइट करते हैं, उसकी जो डार्क प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ठीक हो गया। डार्क और लाइट प्रोनाउंसिएशन इस तरह होती है कि जैसे आर आर बोलेंगे ये वाले अमेरिकन, और आर आर ये बोलेंगे ब्रिटिश, ठीक है। ओके, अब इसके कुछ वर्ड्स जो है ये प्रोनाउंस करके हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला है रेनबो रेनबो रेनबो, रफ रफ रफ, लेटर लेटर लेटर, प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, राइट राइट राइट। इस तरह करके हम अपनी आर की प्रोनाउंसिएशन चेंज कर सकते हैं। छोटी सी बात ज़हन में रखनी है, आपकी जुबान आपके दांतों होंठों के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ये पीछे ही रोल हो जानी चाहिए, इसको आपने पीछे ही मोड़ देना है, आर आर, ठीक हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट अल्फाबेट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये हमारी प्रोनाउंसिएशन में एक बहुत क्लियर जो है इम्प्रूवमेंट और एक क्लियर डिफरेंस लेके आती है। सो आपने इसको अच्छे से सुनना है, इसको प्रोनाउंस करते हुए आपने जो टा है टा, यानी आप जिसको हम टी बोलते हैं टा, उसको आपने ठ में चेंज कर देना है, ठ साउंड, टा को ठ साउंड। जैसे पहले हम बोलते हैं टोमेटो, या अक्सर लोग इसको टमाटो बोलते हैं, टमाटो, राइट, वो भी बिल्कुल गलत है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है टोमेटो टोमेटो। यहाँ पे अगर आप गौर करें टोमेटो, ठीक है, तो हमने टी को कैसे कर देना है टोमेटो। टर्न को हम बोलेंगे टर्न टर्न टर्न। कैट को हम बोलेंगे कैट कैट कैट। ट्यूशन को बोलेंगे ट्यूशन
ट्यूशन ट्यूशन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो किस तरह हमने हल्का सा चेंज लेके आना है, ट को ट में चेंज करना है। मैंने आपकी सहूलत के लिए साथ ये उर्दू वाला पार्ट भी लिख दिया है ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि हमने कितना चेंज लेके आना है, कैसे लेके आना है। एक बात याद रखिएगा, इसको चेंज करते वक्त बहुत ज़्यादा मुबालगा नहीं कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज कर लेना, उससे एक्सेंट फेक लगने लग जाता है। सो अगेन, इस लिस्ट को मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। टोमेटो, टर्न, कैट, ट्यूशन, ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सी एच। सी एच के दो केसेस में आज आपको पढ़ाऊंगा, एक में ये काफ का साउंड दे रहा होता है, एक में ये चे का साउंड दे रहा होता है। सो दोनों केसेस अभी आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। अगर ये सी एच मिलके काफ का साउंड दे रहा है तो आपने इसको ख में चेंज कर देना है, ख। अगर ये क का साउंड दे रहा है आपने इसको ख में चेंज कर देना है। कैरेक्टर, नॉर्मली आप इसको बोलेंगे कैरेक्टर, लेकिन अब कैरेक्टर कैरेक्टर। chaos chaos, इसको आप दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। chaos जो है ये है अमेरिकन एक्सेंट में, chaos chaos ये है ब्रिटिश एक्सेंट में। केमिकल, पहले बोलते थे केमिकल केमिकल, यहाँ पे सी एच भी चेंज हो रहा है, सी भी चेंज हो रहा है, केमिकल। टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल। स्कॉलर स्कॉलर स्कॉलर, तुमने सी एच को चेंज करना है ख के अंदर। नेक्स्ट है जब सी एच चे का साउंड दे रहा होता है, च च, जब ये च का साउंड दे रहा होता है तो हमें इसको चेंज करना है छ के अंदर। जैसे चैप्टर को हमने बोलना है चैप्टर चैप्टर, चेयर को हमने बोलना है चेयर चेयर, चिन को बोलेंगे चिन चिन, चीज चीज, और चे चे। ओके, सो ये था हमारा आज का प्रोनाउंसिएशन लेसन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आई विल बी बैक विद अन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।